शिव जी, स्वर्गीय मोहन जी की वसीयत तो आपने पढ़ी ली है। उन्होंने अपनी जायदाद शिव और शक्ति आप दोनों में बराबर बांट दिए और साथ की अचल संपत्ति बेचकर उससे मिलने वाली रकम को भी आप दोनों में बराबर बांटने का जिक्र है इसमें। तो कल हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते हैं जी। तो मैं अब चलता हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार। शक्ति जी। भाई साहब, बाबूजी ने ये विल बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी, लेकिन मुझे ये बंटवारा नहीं चाहिए। हम दो ही तो भाई हैं और कहते हैं ना कि बांटने से चीजें कम हो जाती, और वैसे भी हमारे कोई औलाद तो है नहीं। हमारा जो भी कुछ है वो माधव का ही है। तो इस बंटवारे का क्या मतलब? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें ये बंटवारा नहीं चाहिए। बाबूजी के जाने के बाद आप ही हमारे माँ बाप हैं। मैं अपने पिता समान जेठ और माँ समान जेठानी से अलग नहीं होना चाहती। देखा, तुमने जो कहा है ना, ऐसे हर कोई नहीं कहता। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी और समझदार बीवी हो। और क्या तुम्हें पता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बेवकूफ पति हो? कल तुम अपने पूज्य भ्राता श्री से कहोगे कि हमें बंटवारा चाहिए। मगर क्यों? तुमने ही तो आज कहा था कि बंटवारा नहीं चाहिए, अब बोल रही हो बंटवारा चाहिए। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग। अगर मैं अपने मुंह से कुछ कहती तो बुरी बन जाती, बहू तो बहू होती। लेकिन तुम चाहे जो भी कहो, भाई की बात का बुरा कोई नहीं मानेगा। अरे मेरे भोले बलम, बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा माफ कर देता है, और मेरे भोले बनने में हम दोनों की भलाई, याद रखना। लेकिन रेखा, तुम एक बात क्यों नहीं समझ रही हो? मतलब बंटवारा होने के बाद हम लोग करेंगे क्या? मतलब अभी एक बिजनेस चल रहा है, भाई साहब उसको अच्छी तरह संभाल ले। बंटवारा होने के बाद कौन संभालेगा उसको? देखो, मैं भाई साहब की तरह दिन रात मेहनत तो नहीं कर सकता, और अपना ही माधु है, इस पूरे घर की इकलौती संतान है, सब कुछ उसी का तो है। कब तक? मैं पूछ रही हूँ कब तक? कल का क्या पता? अगर भगवान ने उन्हें भी एक संतान दे दी तो? अरे जितना दिमाग तुम्हारे भाई के पास है ना, उससे कई ज्यादा दिमाग मेरे पास है। लेकिन अरे ससुर जी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम भी अपने बेटे के लिए कुछ तो करो ना। तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है? अरे तो फिर हम अपना बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम अपना बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझा क्या? समझा नहीं अभी तक है, अटका था। क्या हो रहा है? चल कल स्कूल नहीं जाना? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चल सो, मेरा बेटा एक्टर बनेगा। सो जा, सो जा। हाँ तो शिव बाबू, क्या सोचा आपने? वकील साहब, बाबूजी का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम लोगों ने फैसला किया है कि हम बंटवारा चाहते हैं। भाई साहब, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं आप पर कब तक निर्भर रहूंगा? मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए, मैं भी अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ भाई साहब। और मैं जब तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे ठोकरें नहीं लगेंगी, तो मैं सीखूंगा कैसे? भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना? समझ तो मुझे नहीं आ रहा है कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। रहने दो रेखा, शक्ति ठीक कह रहा, उसको भी हक है तरक्की का। वकील साहब, जैसा शक्ति कह रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, हम बंटवारा करेंगे। ठीक है, आप अपना काम धंधा अलग करना चाहते हैं तो शौक से करिए, लेकिन मैं अपनी रसोई अलग नहीं करूंगी, क्योंकि रसोई का अलग होना मतलब परिवार का टूटना।
और मैं अपने परिवार को कभी नहीं तोड़ूंगी। रेखा, रेखा रोते नहीं तो रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हारे होते हुए हम कभी अलग नहीं हो सकते। माफी। शोभा, मैं सोच रहा था कि अपने बाबूजी के मिठाई के काम को ही आगे बढ़ाते हैं। मोहन स्वीट्स का सिक्का चलता है मथुरा शहर में। इतना पुराना हमारा ये काम है, बंधे हुए ग्राहक हैं, और मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है तो मुझे इसी का तजर्बा है। सोच रहा हूँ कि मोहन स्वीट्स को शिव मोहन स्वीट्स के नाम से आगे बढ़ा देते हैं। और वो था ना अपना बाबूजी का पुराना हलवाई रामनाथ, वो मिला था, उससे बात हुई मेरी, वो भी हमारे साथ काम करने को तैयार। अरे वाह, ये तो सही फैसला किया आपने। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आप बाबूजी की परंपरा को आगे बढ़ाइए बस। ठीक है, तो मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। बाबूजी का मिठाइयों का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके नाम का फायदा कोई और उठा ले जाएगा और तुम बस मोबाइल पर गेम खेलते रह जाओ। बाबूजी के नाम पर तुम्हारा भी हक है। रेखा, तुम्हें पता तो है मुझे मिठाई उठाई के बारे में कुछ मालूम है नहीं। डर तो ऐसा रहे हो जैसे खुद अपने हाथों से मिठाई बनानी है तुम्हें। सुन, जो बाबूजी का पुराना हलवाई था ना रामनाथ, हम उसे रख लेंगे। पुराना स्वाद बरकरार रहेगा तो पुराने ग्राहक हमारे पास ही आएंगे ना। लेकिन सोच कर तो देखो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पंडित जी, पूजा की थाली सब बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है, पता नहीं ये रामनाथ कहाँ रह गया। शक्ति भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुनते हो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पूजा कर लेते हैं। चलो पंडित जी, जी शुरू करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीक। लो शक्ति भी आ गया। अरे पंडित जी प्रसाद देना। जी ये लीजिए। अरे वाह। अरे, अरे कहाँ रह गया था तू? भाई साहब आपकी नजरों के सामने ही थे, वो दिख रही है आपको सामने दुकान, उसी दुकान के मुहूर्त में। क्या शक्ति, अपने घर का मुहूर्त छोड़ के तू दूसरों के मुहूर्त में चला गया। खैर छोड़, प्रसाद खा मेरे हाथ से। भाई साहब एक सेकेंड, वो किसी दूसरे की दुकान का मुहूर्त नहीं है, वो हमारे खुद की दुकान का मुहूर्त है भाई साहब। बल्कि आपको मिठाई खानी चाहिए अपने छोटे भाई के हाथ से। रामनाथ अच्छी है ना भैया? बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे यही काम करना था तो हमारे साथ क्यों नहीं किया? भाई साहब दरअसल बात यह है कि मैं बाबूजी का नाम रोशन करना चाहता हूँ आपकी की तरह, इसीलिए मैंने वो दुकान की। बड़ी दुखद बात है, हम सभी परिवार में रहते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार बनने और रिश्ते जोड़ने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती है। जब वो अचानक यूं बिखर जाए तो समझिए कि जिंदगी ही बिखर गई। हम में से कई लोगों को तो काम धंधे या किसी और वजह से परिवार से दूर रहना तक खलता है, और यहां तो एक छत के नीचे रहते हुए
लोगों के दिलों में दरार आ गई थी। मेरे पड़ोसी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि रिश्तों के टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से आई बर्बादी की धमक पुश्तों तक सुनाई देती है। अरे श्याम जी भैया, ये वाली मिठाई और ऑर्डर करो, ठीक है? नमस्ते शिव भाई। हाँ नमस्कार माथुर साहब, कैसे हैं? जरा एक 2 किलो खोया बर्फी देना। हाँ बिल्कुल, अरे श्याम माथुर साहब के लिए फ्रेश बर्फी पैक करा के लेके आओ। जी मालिक। माथुर साहब काफी दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाई, आपके भाई की दुकान उस ओर पड़ती थी तो वहीं से मिठाइयाँ ले लिया करता था। अब मैंने सोचा रामनाथ वहां पर है जी, वहां पर असली माल मिलेगा। मगर आप बुरा मत मानना, वो मोहन जी वाली बात नहीं है। क्या माथुर साहब, मिठाई तो इंसान ही बनाता है, कई बार हो जाती है ऊंच नीच, लेकिन आप एक बात का यकीन रखिए, ना तो रामलाल कुछ गड़बड़ करेगा और ना ही शक्ति। आप एक बार फिर से ट्राई करके देखिए ना, इस बार आप निराश नहीं होंगे। जरूर जरूर सर। देखो कैसे भाई साहब ग्राहकों को खींच रहे हैं, अब तुम उनके भरोसे रहना चाहते थे। सब कुछ तुम्हारा और माधव का है, मेरी जूती। शक्ति काम कैसे चल रहा है? ठीक है। एक बात बोलूं बुरा तो नहीं मानोगे? देखो तुम्हारा बड़ा भाई हूं इसलिए कह रहा हूं, धंधे पे थोड़ा ध्यान दो। माना कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा हलवाई है, लेकिन क्वालिटी से कभी भी समझौता मत करना। वो क्या कहते हैं कि ग्राहक के कदम एक बार अगर दूसरी दुकान पे चले गए तो फिर लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तजर्बे से बोल रहा हूं। तो माथुर साहब आए थे, कह रहे थे कि बस भैया बहुत हो गया, प्लीज अब आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं सब जानता हूं, किस तरह आप अपनी अपनी दुकान पर बैठकर मेरे ग्राहकों को मेरे खिलाफ ही भड़काते हैं। अरे मैं क्यों, और जहां तक क्वालिटी की बात है ना, क्वालिटी में कोई कमी नहीं। कमी कहां पे आ रही है, या आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सब लोग। शक्ति ये क्या हो गया तुम्हें? अरे दुकान क्या अलग हो गई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल चुके हैं। बड़े भाई तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहते, बहुत हो गया है, अब आप मत शुरू कीजिए। बड़े भैया मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और आप क्या सोचते हैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक मेरे पैसों और मेरी चीजों पर इनका अधिकार था, हक था, तब तक सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से मैंने अपने बारे में सोचा है और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के बारे में सोचा है, तब से इन्हें प्रॉब्लम है। अब बड़े भैया नहीं रहे, कंपटीटर हो गए मेरे। पापा, अब बड़ी मम्मी से ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? चुप कर। तब से देख रहा हूं बड़ी माँ बड़े पापा लगा रखा है, हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं है। सुनिए अभी इसी वक्त भैया और भाभी से माफी मांगी। अरे देखा आपने कैसे एक गलत फहमी की वजह से बात बिगड़ जाती है, और परिवार में कई बार ऐसा होता है कि गलत फहमी की वजह से नाराजगी बढ़ती है और फिर कहा सुनी तकरार में तब्दील हो जाती है। ऐसे में मुश्किल दूर करने का एक ही तरीका होता है, बातचीत। लेकिन यहां तो बातचीत की गुंजाइश ही नहीं बची थी। शक्ति ने रेखा के कहने में आकर बेवकूफी की, लेकिन कहीं ना कहीं शिव ने भी तो नादानी की ना। अगर वो ठंडे दिमाग से बात करता शायद सब ठीक हो जाता। मैंने सुना है कि रिश्तों में नादानी कई बार बड़ी दुश्मनी की वजह बन जाती है, और दुश्मनी से कभी किसी का फायदा नहीं होता। ये मेरा निजी अनुभव है। अरे रेखा तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तुम्हें तो पता है कि सुबह की चाय मैं बनाती हूँ। हाँ देखो कल गुस्से में जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, मुझे भी अफसोस है उस बात का। लेकिन तुम तो जानती हो कि ये घर है और घर में ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम देखना देखा। दूसरा चूल्हा? हाँ भाभी, इन्होंने मुझे रसोई अलग करने को बोला है। क्या? हाँ भाभी,
अब ये घर घर नहीं रहा, अब इस घर में एक दूसरा चूल्हा भी जलेगा। सुनते हो? सुनिए जी, वो शक्ति रसोई को ए वर्मा। हाँ भैया जी। ये घर का आधा हिस्सा हमारा है। हाँ जी। जितनी जल्दी हो सके दीवार खड़ी कर दें यहाँ पे, और घर की दीवार 9 फीट ऊंची होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी पराई की नजर पड़े हमारे घर पे, और जब तक दीवार नहीं हो जाती तब तक रस्सी बांध यहाँ पे। हाँ भैया जी। हो गया? हाँ हाँ हो गया, छोड़ दीजिए। नमस्ते भैया। कैसे हो शक्ति बेटा, आज जल्दी आ गए? ऐसा है रामनाथ, हम इस दुकान के मालिक हैं। हम इस दुकान में कब आए और कब जाएं हमें तय करना है, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और हाँ बेटे, तो हम सिर्फ अपने बाप के हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे मालिक हैं। तो मालिक कहना सीखो। बेहतर है, जैसी आपकी मर्जी। क्या ये क्या बनाया मिठाई है? ये गोबर जैसा बना है। बात करते हो, बाबूजी ने तुम्हें जिस रकम पे रखा था उससे 1.5 गुना ज्यादा रकम पे मैंने रखा है। मिठाई फर्स्ट क्लास बननी चाहिए, एक बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। घी बनाए खिचड़ी और नाम बहू का हो, माल तो ठीक से लेते नहीं हैं आप। अरे कभी बाजार गए हैं? वो दलाल कमीशन के चक्कर में गलत माल सप्लाई कर देता है। शिव भैया को देखो, वो अपने हाथों से चुन चुन करके माल लाते हैं। अच्छा, गाते यहाँ की हो, बजाते वहाँ की हो? बस बस बहुत हो गया भैया जी, आज बहुत टेढ़े हो रहे हो। आपके बाबूजी ने कभी हमसे अबे तबे नहीं कहा। अरे कर्म फूटे थे हमारे जो आपके यहाँ चले आए। अरे तो जाओ ना, रोका किसने है? जाओ उसी के पास जहाँ से मुंह उठा के आए थे। ठीक है, जा रहे हैं, जाओ जाओ। बड़े आए, बड़े आए, जाइए। जा रहे, जा रहे, वहीं जाएंगे ना जहाँ से मुंह उठा के आए थे आप। जाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ बोलो रामनाथ। भैया जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 1.5 गुना की लालच में सालों की इज्जत गवा बैठे। अब हम वहाँ काम नहीं करेंगे, हमें अपने पास रख लो भैया जी। देखो भैया रामनाथ, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। हम दोनों भाइयों में पहले से ही बहुत कलेश चल रहा है, मैं और झगड़ा नहीं चाहता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख पाऊंगा। हम कहाँ जाएंगे अब, आपके सिवा हम कहाँ जा सकते हैं? नहीं भाई, मुझे माफ करो। जैसे ही खाना देंगे ना सबसे पहले खा लेना, ठीक है? खूब मजे कर। पापा जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। बेटा कर रहा हूँ ना तेरे सामने। नई बाइक ले लो ना, पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई है? बेटा पुराना तो तेरा बाप भी हो गया, बदल दे उसको। तेरे नाना ने 1,00,000 रुपए दहेज में लाके दिए थे ना जो। सुनो जी, मेरे पिताजी पर मत जाओ। तुम्हारे पिताजी ने तो लाखों छोड़े ना, ले लो नहीं कहा। बड़े पापा कार। बड़े पापा ने एक कार। ये तेरी गाड़ी है, देख तेरे पीछे नाम भी लिखा हुआ है।
आप मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेके चलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, तेरी गाड़ी है, चलते हैं। अपने बेटे को थोड़ा वक्त दिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए कि तुम उसके बाप हो। आ जाओ बेटा, चलो बाहर निकलो। देखो पापा की गाड़ी ठीक हो गई है। जाऊंगा, पर उस बाइक पे पहले मेरा नाम लिखा रहना चाहिए। चुप कर, बहुत जवान लड़की तेरी। एक बार बोल दिया ना, बाहर निकल। ये तेरी सारी एक्टिंग बंद कर दूंगा मैं, बाहर निकल। अरे शक्ति, कैसे बात कर रहा तू बच्चे से? ये क्या बदतमीजी है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने में लगे हुए हैं। अरे आप भैया से किस तरह से बात कर रहे हैं? मेरा बच्चा माधव सिर्फ तुम्हारा बच्चा है क्या? माधव इस परिवार का बच्चा है। तूने व्यापार बांटा, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने घर को बांटा, मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या माधव को भी बांटेगा? भाई साहब ये घर बट चुका है। आप एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, माधव मेरा बच्चा है। खुद का बच्चा तो पैदा कर नहीं सके, मेरे बच्चे पे नजर मार रहे हैं आप। शक्ति बहुत हो गया भैया आपका बड़प्पन, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। और हाँ, आइंदा मेरे माधव से थोड़ा दूर ही रहिएगा, क्या आसपास भटकने की जरूरत नहीं। सुनिए, मैं एक घंटे में फोन करता हूँ। चल बेटा बैठ। क्या किया ये? बहुत मर्द बनता है, अगर नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाओ। गाड़ी को क्यों नुकसान पहुंचाया तूने? भाई साहब ये सब मैंने नहीं किया है। और कौन है जो मुझसे जलता है? जब मैंने आपको एक बार कह दिया कि ये सब मैंने नहीं किया तो नहीं किया ना, किसी ने किया होगा, हजार दुश्मन है आपके यहाँ पे। सही कह रहे हो तुम, तेरा जैसा भाई हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है? खुद को कुछ करना नहीं है और दूसरों की तरक्की से चलते हैं। क्या क्या मतलब? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। क्या करेगा बताता हूँ मैं, क्या करके दिखा? हाथ लगा के दिखा गाड़ी को, अभी बताता हूँ। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। जी ये मिठाइयाँ सब निकलवा के नई लगवा दो, और देखो सफाई अच्छे से करना जी। अगर सफाई अच्छी होगी तो ग्राहक को विश्वास आता है जी भैया। अच्छा मैं अंदर देखता हूँ। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल पूरी रात नहीं सोया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, मेरी बुद्धि फिर गई है भैया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। देखो अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है? हेलो भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गई, माधव का एक्सीडेंट हो गया। क्या
कहाँ पर हो तुम? भाई साहब मैं वृंदावन बाईपास में राधे के टीले के पास खड़ी हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। अच्छा सुनिए, आप प्लीज उनको कुछ मत बताइएगा, पहले से ही बहुत परेशान है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। जी जी, जल्दी आइए। शक्ति देखो, मुझे मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, तुम दुकान संभालो, मैं भी आता हूँ। जी सुनो, भाई साहब के इधर उधर होते ही ये मिठाई बनाने वाली किसी भी चीज में मिला, समझ गए? इससे कोई मरेगा नहीं, बस बीमार पड़ जाएगा, जिससे भाई साहब की दुकान का नाम खराब हो जाएगा और फिर उसकी वजह से हमारी दुकान निकल पड़ेगी। हेलो, हाँ हाँ आप इस घर के बड़े, तुम मुखिया हो, मालिक हो, सब कुछ तुम्हारा है। अब ये घर, दुकान, कारोबार सब तुम्हें ही संभालना है। जाओ अपनी भाभी को जाके संभालो, जाओ। बहू जी, हमको माफ कर दो, आज से हम शिव भैया की दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाभी मुझे माफ कर दो, किसी के जाने के बाद उसकी कीमत मालूम चलती है। भैया के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे सर से साया चला गया हो। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ भाभी, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपका देवर नहीं, आपका बेटा बन के रहूं, और आज से मैं दोनों दुकानें संभालूंगा। हमने तुम्हें कभी अलग नहीं किया था शक्ति, काश काश ये सुनने के लिए तुम्हारे भैया जिंदा होते। शांति से खाओ। ये मिठाई किससे बनी है? अरे शक्ति भैया, ये खोए और शक्कर से बनी है। अरे मेरा मतलब कौन सी शक्कर से बनी है? जो अंदर बोरी में रखी है वही शक्कर से बनी है। भाई साहब ये मिठाई मत खाइए, इसमें जहर है, ये मिठाई मत खाइए।
इससे बीमार पड़ जाओगे आप लोग। मिठाई मत खाइए। क्या हो गया है आपको? ये मिठाई में जहर है, सब खाके बीमार पड़ जाएंगे। ये आपका वहम है, सुबह से 3 थाल बिक चुके हैं, सब लोग खा रहे हैं। ये देखिए, मैं भी खा रहा हूं। कुछ हुआ? लीजिए, आप भी चख लीजिए। चखिए। भैया जी की मौत के बाद आपको सदमा लगा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाइए, आराम कीजिए, आज दुकान मैं संभाल लूंगा, जाइए। से कोई मरेगा नहीं, बस बीमार पड़ जाएगा, जिससे भाई साहब की दुकान का नाम खराब हो जाएगा। रेखा, मुझे अभी एक बात समझ नहीं आ रही। तुमने जो मुझे पाउडर दिया था मिठाइयों में डालने के लिए, उससे कोई बीमार तो पड़ा ही नहीं। ग्लूकोज खा के कोई बीमार थोड़ी ना होता है। क्या मतलब? मेरे बेवकूफ बलम, वो दुकान और उसका नाम हमारी असली प्रॉपर्टी है। तुम्हें क्या लगता है, उसे मैं ऐसे ही बर्बाद होने देती? अरे वो तो बस एक बहाना था, मैं चाहती थी कि तुम किसी तरह सबके सामने भैया के पास जाओ, तुम्हारे भाई वहां से निकल जाए और उनकी मौत हो जाए। लेकिन वो इल्जाम तुम पर नहीं है, समझे? इसका मतलब? देखा, इसका मतलब तुमने भाई साहब को? भाई साहब, भाई साहब। देखा कहाँ है माधव? तुम फंस क्यों रही हो? तुम्हें मजाक का वक्त नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? माधव कहाँ है, बताती क्यों नहीं? अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। वो माधव के साथ नहीं, उसके बड़े पापा के साथ। क्या? अरे क्या हुआ है, बोलती क्यों नहीं? ये लो, और कुछ दिनों के लिए यहां से दफा हो जाओ। तुम औरत नहीं हो, डॉन हो तुम। अरे छोड़ो, ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए किया। मैं जिंदगी भर छोटी माँ बनकर रह जाती, कभी नहीं। और मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। तुम्हारे भाई को मैंने ठिकाने लगाया है, तुम्हें भी लगा सकती हूँ, समझे? मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। रेखा, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अरे देखिए ना भाभी, अभी तक माधव की स्कूल बस नहीं आई। अरे तो बस वाले को फोन कर दो ना। हाँ। हेलो जी, मैं माधव की माँ बोल रही हूँ। माधव अभी तक घर नहीं पहुंचा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, अरे क्या क्या हुआ भाभी? बस वाला तो कह रहा है कि स्कूल छूटने से पहले ही माधव निकल गया स्कूल से, कोई आया था उसे लेने के लिए। हे भगवान, अब मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। भाभी मैं उनके पास जाती हूँ और उनको लेकर माधव को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आपको कुछ भी पता चलेगा तो मुझे तुरंत फोन करिएगा। रेखा चिंता मत करो, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी, पर अपना ख्याल रखना। जी जी जी, संभाल के जाना। सुनिए, माधव स्कूल से नहीं आया, कोई उसे स्कूल से लेकर गया। मेरा दिल बहुत घबरा, चलिए उसे ढूंढते, चलिए ना। हाँ, तुम चिंता मत करो, शाम दुकान संभाल। हाँ भैया, मैं आता हूँ।
पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। तू चिंता क्यों कर रही है, माधव मिल जाएगा ना, हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। चिंता मत कर। शक्ति, हेलो। पुलिस के पास जा रहे हो? माधव की जान जा रही है तो घर वापस लौट जाओ। कौन बोल रहा है? मैं कौन है ये छोड़ो। दो घंटे में 4 लाख रुपए लेकर बरसाने रोड पर बरगद के पेड़ के पास मिलो। हेलो। क्या क्या हो गया? क्या हुआ? शक्ति, किसी ने हमारे बच्चे को अगवा कर लिया है। 4 लाख रुपए मांग रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दी है। अब क्या करें? क्या तू चिंता मत कर, माधव को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम लोग अभी पुलिस के पास जाके रिपोर्ट निकालते हैं। चल चल। यही जगह बताई थी ना? हाँ, बोला था बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन यहाँ तो कोई दिखी नहीं रहा। होना है? हाँ। कहाँ तुम? मेरा बेटा कहाँ है? हम पैसे लेकर आए हैं। सब गड़बड़ हो गई है। यहाँ आते वक्त तुम्हारे लड़के ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। क्या? उसकी लाश तुम्हारे घर पे पहुंचा दी गई है। क्या क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ माधव के साथ? ये सब मेरी काली जुबान का अंजाम है। मैंने क्यों भाई साहब को माधव के एक्सीडेंट के बारे में बोला? मेरी काली जुबान सच हो गई। मैंने भाई साहब को माधव के एक्सीडेंट के बहाने बुलाया था और उनको कत्ल करवाया। मेरे पापों का फल मेरा बच्चा भुगत रहा है। अपने पापों का फल इंसान खुद ही भुगतता है। चल बेटा माधव, उठ जा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग पापा? मामा आज तो सरप्राइज हो गई। पापा मैं टेस्ट में पास हो गया ना? हाँ बेटा, पास हो गया। तू ये सब कुछ तुमने किया है? ये सब तुम्हारा किया कराया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तब मार दिया होगा जब पहली बार तुमने मेरे कान भरे थे। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना तुम? तुम्हारी ही चाल से मारा है मैंने तुम्हें। आपको एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना? मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। अमिताभ बच्चन बेटा ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। कैसे टेस्ट? फिर बेटा हम एक एक्टिंग का खेल खेलते हैं। हम ना मम्मी को बुद्धू बनाते हैं, अगर मम्मी बुद्धू बन गई तो आप टेस्ट में पास। माधव के स्कूल जाकर मैं खुद उसको लेकर आया था छुट्टी से पहले। मैंने ही रामनाथ भाई से फोन करवाया था तुम्हें। और तुम अपनी जाल में खुद फंस गई। अरेस्ट कर लो इसे। छोड़ो मुझे। माधव क्या पाया शक्ति ने बिना सोचे समझे घर बंटवा, और क्या मिला रेखा को इस पूरी साजिश से? ना पति ना बेटा,
और ना वो पैसा जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया। कुछ मिला तो बस शिव की हत्या के आरोप में 14 साल की सजा। अपने सपने वो सजा नहीं पाई, उल्टे एक बसा बसाया परिवार उजड़ गया। अब कैसे परवरिश होगी माधव? उसकी ताई उसे ठीक से पाल पाएगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन क्या वो जिंदगी भर अपनी माँ के किए को भूल पाएगा? शक्ति अपने भाई की दुकान संभाल लेगा, लेकिन क्या वो जिंदगी भर इस हादसे से उबर पाएगा? बात सीधी सी है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो एक ना एक दिन लौट कर जरूर आता है। अगर हम ये समझ लें कि बुरी करनी का फल यहीं इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है तो यकीन मानिए अपराध लगभग खत्म हो जाएगा। अपने भीतर पल रहे लालच के राक्षस से रहे सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा आप लोग। सावधान इंडिया।